मेन फोकस है शिक्षा, मेन फोकस है स्वास्थ्य, मेन फोकस है प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करना, तो ये सब प्राथमिकताएं हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी में प्रखंड प्रमुख चुनाव में भारी टसल के बाद कृपा शंकर शाही ने प्रमुख पद पर जीत हासिल कर ली है। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने प्रखंड मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद शाही ने कहा कि प्रखंड से दाखिल खारिज सहित पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार हटाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। प्रखंड प्रमुख ने पदभार आज ग्रहण किए हैं, क्या रहेगा प्रखंड में विकास डेवलपमेंट का आगे का प्लानिंग? डेवलपमेंट का प्लानिंग यही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो काम है, जो पंचायती राज व्यवस्था का जो काम है, उसको उसके मूल उद्देश्य को पूर्ण करना, जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पंचायती राज में आता है, सड़क नाला, वो सब कुशल रूप से बढ़िया गुणवत्तापूर्ण बने। मेन फोकस है शिक्षा, मेन फोकस है स्वास्थ्य, मेन फोकस है प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करना, तो ये सब प्राथमिकताएं हैं और इसी पे काम करना। पहले आपने कहा था कि प्रखंड से भ्रष्टाचार मुक्त हो, आगे क्या रहेगा इसके लिए प्लानिंग का? भ्रष्टाचार से लड़ाई प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार मुक्त करा देना किसी एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से संभव नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित करूंगा कि एक प्रमुख के रूप में जितना भी हो सकता है भ्रष्टाचार से लड़ाई वो मैं लड़ूंगा। संबोधन में आपने कहा कि दाखिल खारिज पर व्याप्त भ्रष्टाचार जो है उस पे अंकुश लगाना, वो एक जमीनी हकीकत है, कांटी प्रखंड की एक जमीनी हकीकत है, और मैंने उसके लिए कड़ा संदेश दिया है। कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो चल रही हैं उससे लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। अभी कोविड प्रोटोकॉल में 21 तारीख तक तो कोई कानून नहीं है, मतलब निर्देशित किया गया है कि किसी तरह की आम सभा, ग्राम सभा या BDC नहीं की जा सकती है, तो 21 के बाद जो गाइडलाइन आता है उसको देखते हुए BDC की बैठक।